तो चलिए नमस्कार, ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से हमारे किसान भाई लोग यह कमेंट कर रहे थे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो चौथी किस्त है वह जो पेमेंट है कब तक किसानों के खाते पर आ सकता है। तो किसान भाइयों, बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी जो चौथी किस्त है वो कब तक किसानों के खाते पर आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए भाई सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। और 2 घंटा के भीतर में 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपए हमन माफ कर दें। 2500 रुपये हम खरीदबो के ये साल 2640 रुपया। तो एक तरफ किसान ला मजबूत करे के काम, दूसर तरफ लघु उपज है। वो लघु उपज आप याद करो, पहले 2500 रुपये तेंदु पत्ता मिला थी से, अब 4000 प्रति मानक बोरा हो गया। मक्का बहुत सस्ता बेचत रहे, राहुल गांधी जी जन फैक्ट्री के शिलान्यास से वो बन के तैयार हो गए। अब 46,000 मोरकोंडा गांव के किसान मन समर्थन मूल्य में अपन मक्का मल बेची, मक्का खरीदे शुरुआत हो गए। मोहन भाई के साथ, संत भाई के साथ हमन करे रहे। तो हर कोदो कुटकी रागी की कीमत भी हमन तय करें, ओकरो समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था। और अब सब किसान के खाता में पैसा है। धान लुए पहले कोनो किसान के कर पैसा नहीं रहा, कर्जा में डूबे रहा है। लेकिन अब हर 3 महीना में राजीव जी के शहादत दिवस में हमन पैसा देतन, राजीव जी के जयंती में हमन पैसा देतन, 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के पैसा देतन, और 31 मार्च के चौथा किस्त हमन जारी करतन। 3 किस्त हमन दे चुके हैं। 28 सितंबर के खड़गे साहब भाई सोकरे हाथ से बटन दबवा रहे हैं, तुम्हारे खाता में पैसा पहुंच गया। और चौथा किस्त है तेने 31 मार्च की पहली मिली। अभी तक के हम 4 घोषणा कर चुके। पहली घोषणा 20 क्विंटल धान खरीदी के। दूसरा घोषणा कहां है, जोर से बोलो। कर्जा माफी होना चाहिए, ये माई लोगों ने कहीं नहीं कहा थे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कर्जा माफी, तीसरा जाति जनगणना, और चौथा 17.5 लाख परिवार ला आवास। तो चलिए किसान भाई लोग, आप लोग सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाले अंतिम और चौथी किस्त के बारे में बताया कि वह 31 मार्च के पहले किसानों के खाते पर आएंगे। लेकिन 31 मार्च के पहले कौन सा डेट है अभी तक का जानकारी सामने नहीं आया। भाई किसान भाइयों, आप लोगों को क्या लगता है कब तक आ सकता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का पेमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। साथ ही इससे जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आगे भी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगा तो जरूर हम आप लोग को बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।